दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश के बेसिक नीड के बारे में बताने वाली हूँ। आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक क्लास स्टार्ट किया इंग्लिश के लिए। अगर आपको लगन है दोस्तों, सीखने की चाह है, तो आप ज़रूर देखना। और मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपकी उसको जो भी नोटिफिकेशन, आपको जो भी अपडेट डाले जाएंगे ना, तो वो आपको मिलते ही जाएंगे। अगर आपको सीखने की चाह है तब दोस्तों, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग प्रीपोजिशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा था 150 प्रीपोजिशंस है जो हम लोगों को याद करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपने डायरी में बना रखा है ना, वैसे आप भी बना लेना। इससे आपको क्या होगा कि याद करने में आसानी होगी और लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, अगर आप सही तरीके से लिखोगे तो। ये देखो, आप सबकी स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं और स्क्रीन शॉट्स लेके आराम से लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ 23 तक थे, अब नेक्स्ट 42 तक है। यहाँ इन द फील्ड ऑफ के क्षेत्र में सारा, यहाँ देखना। देखो मैंने कहा था ना सिंपल रूल में, ये बिटवीन, अमंग, ये सब सब देखो, ये सब सब आ रहे हैं दोस्तों। क्लोज्ड बाई के सटे, मैंने कहा था ना सारे प्रीपोजिशन ही यूज़ हो रहे थे। आप प्रीपोजिशन ये याद रखना ना, ये बेसिक नीड है इंग्लिश की, इसलिए हमें इसे याद होना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको 110% इसमें से तो बहुत सारे, हमको लगता है 150 है ना, 150 में आपको 85% तो याद होंगे ही बिल्कुल। अगेंस्ट मतलब क्या होता है, किसको नहीं पता है कि विरोध होता है। फेवर किसके या क्या होता है, पक्ष होता है, कौन नहीं जानता है। अवे फ्रॉम, कौन नहीं जानता, दूर, तो सब कुछ जानते हैं लोग। बस इसे याद कर लेना अच्छे से, सारे नोट डाउन कर लो अच्छे तरीके से। इन द होप ऑफ की आशा में, ये सारी प्रीपोजिशंस हैं। अंडर द एज ऑफ की उम्र के अंदर, इसके बाद बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो इसको हम लोग रेडीमेड इंग्लिश बोलते हैं ना, वो भी मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में धीरे धीरे देती जाऊंगी, ताकि आप लोग को आसानी से वो फ्रेजेस याद कर लें। जैसे स्टार्स ऑन ग्रीन कारपेट का मतलब क्या होता है, तारे ज़मीन पर। तो कुछ रेडीमेड सेंटेंस होते हैं दोस्तों, जिससे हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टच उड क्या होता है, उड टच क्या होता है, इंशाल्लाह टच उड नज़र ना लगे, ऐसे ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स हैं। यानी डोंट पोक योर नोज इन टू माई अफेयर्स, मेरे मामले में तुम टंग मत तराओ, कुछ ऐसे ही कुछ फ्रेजेस हैं, रेडीमेड सेंटेंस है दोस्तों। इसको भी मैं सेट बना के आप लोगों को 10-10 करके बताऊंगी, लेकिन ये अभी नहीं दोस्तों। पहले हम लोग प्रीपोजिशंस कर लें, सिंपल रूल कर लें, एडवांस रूल कर लें, उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, इसलिए आप लोग एक एक वीडियो अच्छे से देखना, ताकि आप लोग का कुछ भी छूटे नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी छूटे आप लोगों का और आप लोग दिक्कत हो जाए। तो आप लोग अच्छे से देखना और उसको जो भी मैंने बोला है बिल्कुल प्लीज़ फॉलो करना। ऑन है, ऑन भी प्रीपोजिशन, ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। डे में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ऑन मंडे, डेट के साथ भी, ऑन 20th, ठीक है। ब्रांच ऑफ ट्री, पेड़ की डाली अगर रहा ना, ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री। अपनी सवारी कोई भी होती है ना, साइकिल, मोटरसाइकिल, हाथी, घोड़ा, ये वो, तो ऑन ही हम लोग यूज़ करेंगे। ऑन साइकिल, ऑन बाई साइकिल, ऑन रोड, ऑन द चेयर, ठीक है ना। अगर मान लो वैसा सवारी जिसमें पैसा लगता है, तो हम लोग बाई का यूज़ करते हैं। जैसे ट्रेन से, बाई ट्रेन, जहाज़ से, बाई एयर, बस से, बाई बस, रिक्शा से, बाई ऑटो,
अपनी सवारी रही या इन, अपनी कार से इन ओन कार, अपनी बस से इन ओन बस, और साइकिल मोटरसाइकिल ये सब जो भी सवारी रहा ना उसके लिए हम लोग ऑन का, ये देखो फ्रॉम से सेपरेशन या अलग या जुदाई, विथ का मतलब भी से होता है, के साथ भी होता है, ये सेपरेशन के बताएगा, विथ ये सपोर्ट में, पटना से आ रहे हैं, पटना से तो सेपरेशन हो गया मेरा, तो फ्रॉम पटना, कलम से, तो ये कलम के साथ लिख रहे हैं, तो विथ पटना, पापा के साथ विथ पापा, छड़ी से विथ स्टिक, तीर से मारा, मार दिया तो वो तो सेपरेशन हो गया, तो फ्रॉम एरो, ये एग्जांपल, अगर चाहो तो इसे भी कॉपी में राइट डाउन कर लेना एग्जांपल को। ये वही है दोस्तों ऑन, एट, अगर छोटी जगह रहा ना एट रानीपुर, एट खजपुर रहा, अगर बड़ा प्लेस रहा तो हम लोग एट नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग इन यूज़ करते हैं, इन पटना, इन बेंगलोर, ये फोर किसी चीज़ का दाम बताने के लिए या के लिए, अबाउट का मतलब होता है लगभग या के बारे में, बिलो पानी के अंदर अगर कुछ रहा तो बिलो द वाटर, विद इन टाइम के बताने के लिए, विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट, प्लीज़ कॉल मी विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर मुझे कॉल करना, इन किसी भी सीमा के अंदर, ठीक है ना, जैसे मुझे प्लेट में खाना है तो वी ईट इन प्लेट तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग प्लेट के अंदर तो बैठ के नहीं खाते हैं, ठीक, वी ईट फ्रॉम प्लेट होगा यहाँ पे, बड़ा जगह का नाम रहेगा तो इन, पेड़ रहा सिर्फ तो पेड़ की डाली रहेगा तो हम लोग इन नहीं यूज़ करेंगे, ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री यूज़ करेंगे, लेकिन पेड़ रहा तो इन मैंगो ट्री यूज़ कर सकते हैं, अपनी सवारी रहा तो इन बाह वाली कुर्सी, आराम या धोती कुर्ता, इन बेड, ठीक, अब इनटू, अगर बाहर से अंदर की गति रहती, इंटर इनटू, अगर वहाँ पर फोर वॉल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो इनटू नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है ना, अगर इंटर इनटू चारों फोर वॉल्स रहेंगे तो हम लोग इंटर इनटू रूम, गलत हो गया, इंटर इनटू राजनीति, ठीक है ना, अगर इनटू रहेगा चार वॉल्स रहेंगे तब तो, अगर वॉल रह गया तब इनटू का यूज़ नहीं करना, नो वॉल्स मतलब इनटू का यूज़ करना है, इंटर इनटू रूम, रूम में चार दीवार तो होते ही हैं तो हम लोग यहाँ पे इनटू का यूज़ नहीं कर सकते, इंटर इनटू राजनीति, राजनीति का तो कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई चार दीवार नहीं होता है तो हम लोग इसलिए इनटू यूज़ करेंगे, ऑफ का के की मात्रा बताने के लिए, आकाश का रंग, मात्रा एक कप ऑफ चाय, लाखों रुपीस, लैक्स ऑफ, थाउजेंड ऑफ, ठीक है ना, फ्रॉम टू दो वर्ब को जोड़ने के लिए, दो नाउन को जोड़ने के लिए, एक वर्ब प्लस एक नाउन को जोड़ने के लिए, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट बाई, बाई बताया ही मैंने, बाई को तीन तरीके से, के द्वारा, के हिसाब से, के नज़दीक, ये देखो अलॉन्ग, रोड के किनारे चल रहे हैं तो अलॉन्ग द रोड, रोड के बीच में चल रहे हैं तो थ्रू द रोड, रोड के ऊपर से जा रहे हैं अक्रॉस द रोड, यानी ओवर ब्रिज वगैरह, अगर आपकी कोई भी सामान टेबल पर रखी है तो ऑन द टेबल, टेबल से ऊपर है, ओवर द टेबल बहुत ऊपर है, अबव द टेबल, ठीक है ना, बिसाइड, मैंने कहा था ना बिसाइड जो है अपनी पोजीशन से दोस्तों, उसमें जो आया था तो एक बिसाइड का मतलब के बगल में एक बिसाइड्स एस लग गया, के साथ साथ भी, ठीक है ना, विथ के साथ, से सहारा, किसी चीज़ का सहारा लेने पर, ठीक है, विथ यूज़ करते हैं, 70% लोग आपके साथ है, 70% पीपल आर विथ यू, आपके साथ हैं, ये हो गया, ये हो गया आपके 150 प्रीपोजिशंस। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताती हूँ, इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेना, आप लोगों को समझने में आसानी होगी, सोमवार को ऑन मंडे, 10 तारीख को ऑन 10th, कलम से, सेपरेशन तो नहीं है, विथ पेन, छड़ी से, विथ स्टिक, दिमाग से, विथ ब्रेन, पटना से, फ्रॉम पटना, आपके पॉकेट से, फ्रॉम योर पॉकेट, पापा के साथ, विथ पापा, आकाश से, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, आकाश का रंग नहीं, फ्रॉम द स्काई, ठीक, आकाश से पूरा गया, ट्रेन से, बाई ट्रेन, राजा बाजार में, ठीक, एट राजा बाजार, छोटा प्लेस है, पटना में, इन पटना, बस से, बाई बस, ऑटो से, बाई ऑटो, साइकिल से, अपनी सवारी, ऑन साइकिल, पेड़ पर, इन द ट्री, ठीक,
मैंने कहा था ना ऑन यूज़ करेंगे, ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, इन यूज़ करेंगे, अगर ब्रांच रहता है यहाँ पे तो हम लोग ऑन द ट्री, ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री करते, यहाँ पे इन द ट्री होगा। एक आम के पेड़ पर, इन अ मैंगो ट्री, राजधानी एक्सप्रेस, बाई राजधानी एक्सप्रेस, पैसा लगा है बाइक से, ऑन बाइक, एक कप चाय, अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ ऑफ, एक ग्लास ऑफ दूध, ठीक, एक किलो चावल, अ के जी ऑफ राइस, दो ग्लास दूध, टू ग्लास ऑफ मिल्क, आकाश का रंग, द कलर ऑफ द स्काई, ये जोड़ने का काम करता है ना द, ठीक है, करोड़ों लोग, करोड़ ऑफ पीपल या मिलियंस ऑफ पीपल, सैकड़ों लड़कियाँ, हंड्रेड ऑफ गर्ल्स, हंड्रेड्स, ठीक, हज़ारों गरीब बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ पुअर चिल्ड्रेन, पैदल, ऑन फुट, अपने कान से, इन ओन कार, 100 रुपये का, 400 रुपीज़, 10 रुपये में, 410 रुपीज़, दाम बताने के लिए, ठीक है ना, फोर का हम यूज़ करते हैं, 7 बजे, एट 7 o'clock, 10:30 बजे, एट 10:30 o'clock, ये हो गया आप लोग के प्रीपोजिशंस कंप्लीट। ये दोस्तों बिल्कुल ही याद कर लेना अच्छे से, और लिखते लिखते याद हो जाएगा आप लोगों को, और इससे एग्जाम्पल भी बताना, और एग्जाम्पल बना के अपने खुद में ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा, सारी प्रीपोजिशन आपके हाथ में आ जाएंगे, तो ये करने के बाद आपको 50% लगेगा कि मैंने इंग्लिश सीख लिया है। आप खुद में ये देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और जो भी डाउट्स होंगे बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज़। और मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे की नोटिफिकेशन जो भी मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच पाए, और आप लोग इसका बेनिफिट, जो भी है बेनिफिशियल, आप लोग के लिए साबित हो सके, प्लीज़ आप लोग उसका बेनिफिट उठाना, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी आसानी से सीख सकें, प्लीज़, थैंक यू।